तो आप देख सकते हैं मैंने बनाया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फार्म इन माइनक्राफ्ट। तो ये 1, 2, 3। सो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ सबसे बड़ा फूड फार्म। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं एक विलेज ढूंढा और यहाँ से गाजर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे गाजर और थोड़ी बहुत और सीड्स चाहिए, और यहाँ से बेरीज और यहाँ से बोन फायर भी ले ली मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ से सब कुछ लूट लिया, ये ब्लास्ट फर्नेस भी, और घर जाते उस समय मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा, पर यार मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि रात होने वाली थी, तो मैं छोड़ कर चला गया। और रात को यहाँ पर ट्रे वगैरह घूमते हैं जो स्लोनेस दे देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सीड ढूंढने लगाया, क्योंकि इससे और उस चांस बढ़ जाते हैं भाई सीड मिलने। उसके बाद मैंने यहाँ से सारी सीड ले ली और यहाँ से देखते हैं और मिलते हैं क्या। तो सब सीड लेने के बाद मैंने यहाँ पर पेड़ तोड़े थोड़े बहुत, और यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ी कलेक्ट करी। लकड़ी कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो मेरे पास मेलन थे इनसे थोड़े बहुत सीड बना लिए। तो सबकी सीड मेरे पास रेडी थे, मेरे पास मेलन के भी थे और पम्पकिन के भी थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी बेरीज लगा ली, जिससे मैं बाद में खा पाऊँ एंड घर की दूसरी तरफ भी लगा देता हूँ। यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ थोड़ी सी बेरीज। तो मैंने तो घर के दोनों तरफ बेरीज लगा दी अपनी। उसके बाद मैंने अपना एक एरिया प्लेयर करने की सोची, क्योंकि मैं बाई डर्ट इतनी कहाँ से लाता। तो मैंने यहाँ से अच्छा सा एरिया प्लेयर कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं इतना बाई इतने का बनाऊँगा इसे। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट खोदी, जिससे एक अच्छा एरिया बन जाए यहाँ पर। और कहीं भी कहीं कहीं पर डर्ट भरनी भी पड़ी भाई। तो सारी डर्ट भरने के बाद अभी जल्दी से अपना फार्म बनाना शुरू करता हूँ मैं। बस ये थोड़ा सा रह गया, जल्दी से बन लेता हूँ। तो बस ये फूल हटाओ यहाँ से। उसके बाद मैंने यहाँ से साइड में लकड़ी लगानी शुरू करी। एंड भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। तो अभी यहाँ से जल्दी से लकड़ी लगाते हैं, और ये लकड़ी तोड़ लो गलत लग गई। उसके बाद यहाँ पर होने के बाद मैंने यहाँ पर ये साइड में लोगो लगाए कोने कोने पर। मैंने 3 ब्लॉक सुबह ले गया हर तरफ, ऐसे देखो हर तरफ मैंने कर लिया ये। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी साइड में से डर्ट हटाई, अच्छी नहीं लग रही थी कहीं मिली हुई, तो मैंने सारी हटा दी। उसके बाद यहाँ पर 2 होए बनाकर मुझे खेत हार्वेस्ट करना था, वो जल्दी से कर लेता हूँ मैं। पहले तो यहाँ पर बीच में ना ये मैं ऐसे बनाऊँगा, 4 ब्लॉक्स का बनाऊँगा एक, और फिर बीच में एक ये आएगी पानी की। तो ऐसे मैंने हर जगह बना दी। तो लास्ट में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज था कैसे बनाऊँ, पर फिर भी मैंने यहाँ पर बना दी, ऐसे बनाते यहाँ पर नदी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाकर यहाँ पर सब में पानी डाल दिया। सब में पानी डालने के बाद बस अभी जल्दी से यहाँ पर हार्वेस्ट करना था यहाँ से सब पूरी फील्ड को। तो 2 होए मैंने सोचा कि पूरी ख़त्म भी नहीं होगी और हो जाएगा मेरा काम, पर यहाँ पर 2 होए से भी ज़्यादा होए लग जाएंगे अभी देखना आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 होए यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, पर मैंने फिर भी कर दिया सारा फार्म ख़त्म और होए बनाकर। उसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से थोड़ी बहुत फेंसेस बनाता हूँ, जिससे मैं साइड में लगा सकूँ, इस फेंसेस से बहुत अच्छे लगेगा ये। तो इतनी फेंसेस आई थी तो पूरी हो जाएंगी, तो पूरी तो नहीं हुई पर थोड़ी बहुत रह गई 4-5, पर ये जब गेट लगेंगे थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसके बाद इससे ही हो जाएंगी सब की सब। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी क्राफ्टिंग टेबल से फेंस गेट बनाए, 10 गेट बहुत है। उसके बाद गेट लगा दिए मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, 5 5 वे पे लगाए, 4 ब्लॉक फिर 5 वे पे लगाए मैंने गेट हर तरफ से, ऐसे ही कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इस साइड नहीं लगाए, मैंने सिर्फ इस लंबी वाली साइड लगाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी सीड लगा दिए यहाँ पर गाजर के, वहाँ पर मैंने वीट के लगाए हैं, यहाँ पर आलू के। तो हर इसका मैं सेपरेट वो बनाने वाला हूँ, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। और यहाँ पर मेलन के लगा देता हूँ 1 1 ब्लॉक छोड़ के, और यहाँ पर पम्पकिन के भी लगा दिए मैंने। उसके बाद मैंने बैम्बू हटा दिया यहाँ पर, और बैम्बू इसके साइड में लगा दिए खेत के, जिससे अच्छे लगे। तो खेत अच्छा लगने लग गया था अब। और यहाँ पर मैंने ऐसे बैरल लगा दिए चारों तरफ ऐसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पे बटन्स लगा दिए, और साइड में फेंस लगा कर ऊपर एक स्लैब लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने टॉर्चेस लगा दी पूरे फार्म में, पर अंदर अभी भी थोड़ा सा ना वो था, थोड़ा अंधेरा था, तो मैंने यहाँ पर भी लगानी पड़ी टॉर्चेस, पर ऐसे यहाँ पर नहीं लग पाती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले स्लैब लगाए ऐसे। उसके बाद सारे स्लैब लगने के बाद देखो यहाँ पर एक मेलन भी हो चुका है पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाने का देखा, मैंने गेट के यहाँ पर एक फेंस लगा कर यहाँ पर एक ले लगा दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर एक बात उससे पहले भाई, आज का थोड़ी छोटी वीडियो आ रही क्योंकि थोड़ी दिक्कत है अभी बनाने में, पर अब से रेगुलर वीडियो आएगी। तो बाय, एंड हाँ सब्सक्राइब कर देना।